दुश्मन को घर में घुसकर मारना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना ने अपने अभूतपूर्व साहस से कई बार दुनिया को यह दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मारा जा सकता है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को बता दिया था कि अगर हमला देश के जवानों पर हुआ तो फिर भारतीय सेना एक भी आतंकवादी को बख्शेगी नहीं। पीओके में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स की चर्चा उस समय पूरी दुनिया में हुई थी। पूरी दुनिया के देशों को यह समझ में आ गया कि भारत के दुश्मन चाहे कहीं भी छिप जाएं, भारतीय सेना अपने दुश्मनों को चुन चुनकर ठिकाने लगाने की क्षमता रखती है। लेकिन पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स भारतीय सेना द्वारा की गई पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। 29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से एक वर्ष और चार महीने पहले भी भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। म्यांमार में छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए चलाए गए अभियान का नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने 18 वीर जवानों को मारने वाले आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा था। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में KYKL और NSCNK के आतंकवादियों ने 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। ये बहुत बड़ी क्षति थी। इसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा के अंदर घुसकर इन्हीं आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था और इस ऑपरेशन का असर भी काफी तेजी से हुआ था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन बीमार से हो गए थे। अब आपको ऑपरेशन ऑल आउट की लोकेशन के बारे में बताते हैं। आपको यह तो पता ही है कि भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के 2 कैंप्स पर हमला किया था। इनमें से एक आतंकवादी कैंप भारत म्यांमार की सीमा के काफी करीब था, लेकिन दूसरे कैंप की लोकेशन म्यांमार में करीब 15 किलोमीटर अंदर थी। दूसरे देश में घुसकर आतंकवादियों पर हमला करना किसी भी देश की सेना के लिए आसान नहीं होता, और वो भी 15 किलोमीटर अंदर जाकर हमला करना। पहला आतंकवादी कैंप नागालैंड और म्यांमार की सीमा के पास नोकलक इलाके के करीब था, जबकि दूसरा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन मणिपुर के चसाद से म्यांमार की सीमा से करीब 15 किलोमीटर अंदर जंगल में हुआ था। इन दोनों कैंप्स के बीच बहुत दूरी थी, लेकिन फिर भी दोनों कैंप्स पर एक साथ एक ही समय पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई। भारतीय सेना ने पूरी तैयारी के साथ एक ही समय पर दोनों क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस को शुरू किया था ताकि आतंकवादियों को संभलने का और भाग निकलने का मौका ना मिले और वो एक दूसरे को सूचना भी ना दे सके। इस ऑपरेशन में 21 पैरा SF के करीब 70 जवान शामिल थे, जिनकी 2 टीमों ने अलग अलग लोकेशन से आतंकवादियों के कैंप्स पर हमला किया था। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। आपने यह भी नोट किया होगा कि भारत में न्यूज चैनल्स में युद्ध या सैन्य अभियानों की रिपोर्टिंग बहुत ही कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित तरीके से होती है। ऐसे मामलों में देश के बड़े बड़े पत्रकार स्टूडियो में बैठकर और ज्ञान देकर ही रस्म अदायगी कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉर्डर के उस पार जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें जान का बहुत खतरा होता है। आप कभी भी दुश्मन की गोली का निशाना बन सकते हैं। लेकिन पहली बार जी न्यूज ने म्यांमार के अंदर दाखिल होकर उन जगहों से रिपोर्टिंग की है जहां भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। ये इलाके भारत म्यांमार सीमा से 15 किलोमीटर आगे हैं, यानी जी न्यूज ने यह साहसी रिपोर्टिंग म्यांमार में 15 किलोमीटर अंदर जाकर की है। अभी भी इन इलाकों में बहुत सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, इसलिए ये रिपोर्टिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। फिर भी हम उन जगहों तक पहुंचना चाहते थे जहां भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सेना के पराक्रम को करीब से महसूस करने के लिए हम ये खतरा उठाने के लिए तैयार थे। अगर आप भी म्यांमार में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स को करीब से आज महसूस करना चाहते हैं तो आपको हमारा ये ऑन द स्पॉट विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। इस DNA टेस्ट में गर्व और रोमांच की मात्रा बहुत ज्यादा है और यह लोकेशन आज पहली बार टेलीविजन पर दिखाई जा रही है।
तारीख 4 जून जगह चंदेल जिला मणिपुर। चार जून को हुए हमले में 30 आतंकवादी शामिल थे। इनमें कुछ आतंकवादी KYKL के थे और बाकी NSCN के नागा आतंकवादी थे। मणिपुर के चंदेल जिले में इन आतंकियों के हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे। मणिपुर में पिछले 20 वर्षों में हुए सबसे बड़े हमले की जवाबी कार्रवाई की तैयारी करते समय एक ही बात दिमाग में थी, सबसे बड़े हमले का जवाब भी अब तक का सबसे बड़ा जवाब होगा। यह अहम फैसला लेने वाले केवल 4 लोग थे जिन्हें आप ऑपरेशन ऑल आउट के स्क्रिप्ट राइटर भी कह सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 5 जून से 7 जून तक कई दौर की मीटिंग के बाद 2 निशाने तय किए गए। नागालैंड के नौकलक के सामने पोन्यू गांव के पास का कैंप और मणिपुर के चसात के सामने के जंगल में चल रहा दूसरा कैंप, यानी इन हमलों को अंजाम देने के लिए 21 पैरा SF के जवानों को दूसरे देश की जमीन पर कदम रखने ही थे। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब 21 पैरा SF के 70 जवानों ने म्यांमार की सीमा में छिपे आतंकवादियों पर हमला किया। म्यांमार के अंदर सेना द्वारा आतंकवादी कैंप्स पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक को 20 महीने बीत चुके हैं। सेना की इस कार्रवाई ने NSCN के समेत कई उग्रवादी संगठनों की कमर तोड़ दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम इस वक्त मणिपुर के उस इलाके में हैं जहां पर मौजूद तमाम इंसर्जेंट्स ग्रुप सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। जंगल पहाड़ के इलाके हैं और ऐसे में इन पहाड़ों पर ये इंसर्जेंट्स ग्रुप छुपे होते हैं और जब भी सुरक्षा बल इन रास्तों से जाते हैं उन पर वो हमले कर देते हैं। इलाका बेहद खतरनाक है और ऐसे में हमें संभल कर चलना होगा, और ऐसे में हमने फैसला किया म्यांमार समेत उन इलाकों में जाने का जहां इन आतंकवादियों के कैंप्स आज भी मौजूद है। मणिपुर सीमा से सटा यह है खूबसूरत देश म्यांमार। भारत म्यांमार सीमा को पार करते ही सबसे पहले हमारा स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। यहां पहुंचते ही हम सीमा के नजदीक एक छोटी सी मार्केट में गए, जहां पहुंचकर हमें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हम किसी दूसरे देश में हैं या यहां हमारे देश से कुछ अलग है। लेकिन जैसे जैसे हम म्यांमार में और अंदर जा रहे थे, एक बात साफ होती जा रही थी कि जंगलों में दूर गहराई में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिससे सावधान रहने की जरूरत है। हमारा अंदाजा सही था क्योंकि थोड़ी दूर और सफर करने के बाद हम उन इलाकों में पहुंच गए जहां भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने जमीन पर रेंगते हुए सीमा को पार कर म्यांमार में आतंकवादियों के कैंप्स को तबाह किया था। यहां आने के बाद हमें पता चला कि यहां आतंकवादी गुटों के कुछ कैंप्स आज भी मौजूद हैं। चार जून 2015 को सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी इन्हीं इलाकों से आए थे। घात लगाकर किए गए हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। जून 2015 सुबह के 8:30 बज रहे थे और इस रास्ते पर भारतीय सेना का काफिला गुजरने वाला था और ठीक इसी जगह पर NSCN के और दूसरे उग्रवादी संगठन मिलकर के भारतीय सेना के काफिले का इंतजार कर रहे थे। सुबह 8:30 बजे 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला इस रास्ते से गुजर रहा था और उसी वक्त इस काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए और 11 से ज़्यादा जवान घायल हो गए। हमला इस तरीके से प्लान किया गया था कि भारतीय सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ये जगह ऐसी थी जहां पर ये सारे उग्रवादी बड़े आराम से छुप सकते थे। हमले के बाद
ये सारे यहाँ से फरार हो गए, कुछ म्यांमार चले गए और कुछ दूसरे रास्तों में जाकर के छुप गए। इस हमले का जवाब देना जरूरी था और फिर ऐसा ही हुआ। हमले को अंजाम देने के बाद सभी उग्रवादी यहाँ से फरार हो गए। इनमें से ज्यादातर आतंकी भारत म्यांमार सीमा खुली होने का फायदा उठाकर सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए थे। इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन तभी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि एनएसएन के जिन उग्रवादियों ने सेना पर हमला किया है उनमें से ज्यादातर म्यांमार के सीमा में दाखिल हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक म्यांमार में करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित कैंप का भी पता लगा लिया गया। अब वक्त था इस पर हमला करने का, लेकिन भारत की सेना ने ठान लिया था कि वो अपने साथियों की शहादत का बदला जरूर लेगी। इसके लिए दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सेना के काफिले पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद ही पैरा एसएफ के 70 जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च होने से पहले बारीकी से पूरे इलाके की रेकी की गई। जंगल में आतंकवादियों के कैंप तक जाने वाले और वापसी के तमाम रास्तों के हर पहलू को जांचा और परखा गया। किसी जवाबी कार्रवाई और उससे मुकाबले की रणनीति भी तैयार की गई। और फिर भारत के साहसी कमांडोज ने साबित किया कि भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को सेना उनके घर में ही जाकर उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। एनएससीएम के कैंप को खत्म करने के लिए भारतीय सेना के कमांडो अंदर दाखिल हो गए थे। ठीक इस जगह पर यानी भारत और म्यांमार की सीमा पर इंडियन आर्मी के चौपर इंतजार कर रहे थे कि कब उनके स्पेशल फोर्स के कमांडो वापस आएं ताकि वो यहां से दूर लेकर जा सकें। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने स्पेशल कमांडोज की मदद की। इनपुट्स के आधार पर कमांडोज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के कैंपों तक चुपचाप पहुंचे। कमांडोज को इन उग्रवादियों के कैंपों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मीटर तक रेंग कर जाना पड़ा। तकनीकी एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि आतंकी इन्हीं कैंपों में हैं। ड्रोन्स के जरिए उन पर कई घंटों तक नजर रखी गई थी। सीमा के आसपास रहने वाले लोग आज भी सेना के इस ऑपरेशन को नहीं भूलते। जो फौजी लोग आर्मी लोग काम किया है शहीदों से किया है और सही तरह से किया है, इसलिए मोरे का पब्लिक में बहुत शांति मिला है, इसलिए बहुत बहुत उनका पर मैं भी धन्यवाद देता हूँ। पहले में तो थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया। देखिए, इसके बारे में तो ये जाहिर है कि जब किसी प्रकार का दबाव इन आतंकवादी ग्रुपों पर बनाया जाता है तो वे निसंदेह अपने इलाकों से दूर दूसरे जगहों पर शरण लेते हैं। तो ये वहाँ से आते हैं और जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है, खास करके यहाँ पर अभी पूरी तरह से उनको बाउंड्री वॉल या वो फेंसिंग वगैरह नहीं हो पाई है, तो काफ़ी पोरस हैं। तो ये उसका लाभ उठाते हैं कि जब उनके ऊपर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों का दबाव बनता है तो ये पार हो जाते हैं और मौका देखकर ये कोशिश करते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर घात लगाकर हमला करें। म्यांमार में हुए सर्जिकल स्ट्राइक से उग्रवादी गुट डर गए और वो यहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गए। मणिपुर में तैनात ये जवान हर वक्त बेहद सतर्क रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है एरिया को नीट एंड क्लीन रखना और हमारा कैंप तथा हमारा जो पड़ोसी जो गांव है इनको नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि हमारा उग्रवादी जो असामाजिक तत्व हैं वो हमारे ऊपर घात लगा कर हमला करते हैं, जैसे आईडी अम्बुज वगैरह। ये एरिया आईडी और अम्बुज के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम तो रोड से ही जाते हैं और पहाड़ी से भी मूवमेंट करते हैं। जैसे भी हम मूवमेंट करें हमारा फैसला और चलने की तरीका पर निर्भर करता है। अगर अम्बुज से हमें बचना है तो एक ही तरीका है हमारा फैसला और अलर्टनेस। म्यांमार और उसके बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह साफ कर दिया है कि जब भी देश के दुश्मनों पर कड़े प्रहार की जरूरत होगी वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो विदेशी जमीन पर ही क्यों ना हो। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कार्रवाई को बेहद सावधानी से अंजाम दिया गया। किसी भारतीय सैनिक को कोई चोट नहीं आई और सिर्फ 45 मिनट में देश को वो सौगात मिली जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। हम इस वक्त भारतीय सीमा से म्यांमार के इलाके में करीब 15 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये वही जगह है जहां भारतीय सेना के 21 स्पेशल फोर्स के जवानों ने एनएससीएम कैंप पर हमला बोल दिया था। कुछ घंटों चले ऑपरेशन के बाद इस पूरे कैंप को खत्म कर दिया गया। इस पूरे हमले में करीब 150 से ज्यादा
उग्रवादी मारे गए। कैमरामैन प्रशांत स्वामी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, म्यांमार।